नमस्कार, रायगोंडी मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आता आपण आहोत गोलानी मार्केटच्या तळ मजल्यावर, ज्या ठिकाणी होलसेल भावामध्ये आंब्यांची विक्री होत असते। आंबा हा फळांचा राजा आहे। आणि सध्या केशर जे तुम्ही माझ्या हातात पाहत आहात, हा केशर आंबा आहे। मला वाटतं हापूस नंतर केशरचंच नाव घेतलं जातं। चवीला उत्कृष्ट असा गोड हा आंबा। आणि हा आता शेवटचा सीझन चालू आहे, म्हणजे जसं मी आता संबंधित व्यक्तीला विचारलं तर त्यांनी असं सांगितलं की केशर आंबा जो आहे हा सध्या आता जास्तीत जास्त 8 ते 10 दिवसापर्यंत चालेल। नमस्कार भाऊ, तुमचं नाव काय आहे? मोहसिन पठाण। मोहसिन पठाण, अभी ये जो माल चल रहा है ये कहाँ से आ रहा है और कितने दिन चलेगा? ये गुजरात का आम है, इसकी आवक कम हो गई है, अभी 8 दिन तक चलेगा सिर्फ आम। 8 दिन रेट की वजह से आवक कम हो गई है, बारिश शुरू उधर। नहीं, रेट की वजह से बारिश शुरू होगी, इसका मतलब क्या है समझा? इसकी आवक 8 दिन चलेंगे, अभी 8 दिन के बाद में केशर खत्म, 8 से 10 दिन तक। आप ये माल कहाँ से लाते हो? गुजरात से आता है। और लगभग कितना? अभी तो कम हो गया ना, आवक कम हो गई है। पहले आ रहा था अच्छा आवक, अभी कम हो गया है। 100 कैरेट, 80 कैरेट, 50 कैरेट अभी आ रहे हैं। आप यहाँ पे होलसेल में बेचते हो और यहाँ से जो ठेले वाले रहते या छोटे मोटे व्यापारी रहते वो दिखते हमें, तो वो यहाँ से क्या रेट से लेके जाते हैं? ठेले वाले तो अभी बंद हो गए, व्यापारी लोग ही ले जा रहे हैं। अभी रेट उसकी आवक 1500-1600 रुपया मन हो गए। नहीं, अभी आपने बोला कि ये जो माल है ये अभी 8-10 दिन चलेगा, तो उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा कि दूसरा कोई आएगा? ख़त्म हो जाएगा ये, उसके बाद में कैरी का चलूँगा। अच्छा, लंगड़ा और दशहरी यूपी। अच्छा, आप कब से कर रही है? मेरे को तो 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। और 8-10 साल पहले और अभी में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? अभी तो बहुत फ़र्क है ना, माल की आवक कम हो गई। दूसरी बात क्या है, व्यापार में फ़र्क पड़ गया है। जैसे पहले फैमिली सब साथ में रहते थे, अभी क्या मोबाइल आने की वजह से बहुत से लोग सब फैमिली को किधर चल गए, कुछ सब ऐसा एकजुट नहीं है अभी तो। लोग ले जाने वाले जो है, खरीदी करने वाले, वो भी कम ले जाते। जिसको 5 किलो लगता था वो 2 किलो 1 किलो ले आता है अभी। पहले सब फैमिली जॉइंट फैमिली रहती थी पहले, उसके वजह से लोग को ज़्यादा लगता था, लोग खाने वाले ज़्यादा थे। अभी गर्मी की वजह से थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, लोग कम खा रहे हैं आम। गर्मी है ज़्यादा जलगांव के अंदर, इसके लिए लोग आम भी कम खा रहे हैं और फैमिली अलग अलग होने की वजह से भी थोड़ा कम ले जा रहे हैं। और महंगाई है, महंगाई की वजह से तो फ़र्क पड़ने वाला ही है। और अभी ये समझ लो व्यापार तो इतना आम का इतना सही नहीं है, अभी थोड़ा कम हो गया है। स्कूल चालू हो गई है जलगांव में, बोलो पूरे इंडिया के अंदर स्कूल चालू हो गई, बच्चों की पढ़ाई पे फोकस दे रहे हैं। और महंगाई की वजह से भी लोग कम ले रहे, खरीदारी कर रहे हैं। नाम क्या आपका? अफजल खान ने जो बात बोली, सच में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। जैसे फैमिली डिवाइडेड हो रही है, फैमिली कम हो रही है, वो हिसाब से जो 4 किलो 5 केजी जो आम लेके जाते थे, अभी वो 1.5 केजी पे आ गया, और ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, यानी ये बिजनेस और आगे 10 साल तक कैसे रहेगा? आगे 10 साल का तो किसने देखा नहीं, पर फिर भी अभी जो पोजिशन है इससे बेकार पोजीशन आगे चल के आने वाली। मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे क्वांटिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या तो जो हम सोचते हैं कि केमिकल का इफेक्ट हो रहा है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? केमिकल का कुछ इफेक्ट नहीं है, केमिकल तो लगता ही नहीं है आम को। पहले लगता था कार्बेट वगैरह, उसका भी कोई इफेक्ट नहीं था, पर अब अपनी सोच के हिसाब से अभी केमिकल तो लगाते नहीं, गर्माश में पकाते हैं आम। रद्दी आप देख रहे हैं, देखो उसको रद्दी वगैरह लगा है इसमें आम, उसमें कलर आता है, उससे पीला होता है वो। पर अभी महंगाई की वजह से तो फ़र्क पड़ेगा ही ना, महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो लोग ये जो खाने पीने के छोड़ के लोग अभी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कम में कम कर रहे हैं लोग, अभी काम धंधे लोग कम है, आवक कम है, अभी तो लोग इस हिसाब से एकदम बेरोजगारी की वजह से ज़्यादा हो रहा ना, बेरोजगारी है, लोगों के पास पैसा नहीं है ना, जिनके पास है वो खाते, जिसके पास नहीं वो क्या करेंगे, वो तो जो उनको जरूरत वाली चीज़ें जो राशन घर में लगता है वो लाते लोग। ये लोग कौन खाते हैं, जो सर्विस पर है, जिनके पास पैसा है वो लोग ज़्यादा खाते हैं, बाकी गरीब लोग तो कभी कभार मिल गए बेचारों को, सस्ता तो ले लेते हैं, महंगा क्या खाएंगे, महंगे की वजह से वो प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। अभी ये आम बाहर 80, 120, 140 बिकेगा, तो गरीब घर में तेल लाएंगे 1 किलो के ये लाएंगे, बताओ। सही बात है। हाँ, गरीब घर में 1 किलो तेल लाएंगे कि 1 किलो आम ले जाएंगे, 1 किलो तेल ले जाएंगे तो कम से कम उसको 4-5 दिन घर में खाएंगे, क्या आम खाएंगे वो जाके, तो एक बच्चा बोलेगा एक आम मुझे दे दो, बोलेगा 4 आम ले आएंगे घर पर, 4 बच्चे खा लेंगे, उसके पास कुछ रहेगा फिर। ये वजह से थोड़ा व्यापार में फ़र्क पड़ गया, महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ गया।
महंगाई हो गई है, लोगों को काम नहीं है, आबादी ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों को नौकरियाँ नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है लोगों के पास में, इसके वजह से थोड़ा धंधे में फ़र्क पड़ गया और महंगा हो गया। पहले ये कैसा, आज से 10 साल पहले 30 रुपये किलो 40 रुपये किलो हम बाहर ठेले ही बेचते थे, अभी ये 120 रुपये क्या लेना गिराए बताओ ना। तो बेरोजगारी के लिए आप किसको जमींदार पकड़ते हैं? जमींदार अब क्या है, मेरा बेरोजगारी, अब लोग आबादी बढ़ गई ना, ज़्यादा आबादी ज़्यादा बढ़ गई है, नौकरियाँ पाकर जितने लगना था उतने लोगों को लग गए, आबादी पे कंट्रोल, हाँ आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात, अभी आप देख लो अभी सरकार के भी थोड़ी उसके अंदर आते भाई खुल के नहीं बोल रहे लेकिन समझ में आ गया कि अफजल भाई बोल रहे कि आबादी पे कंट्रोल होना चाहिए और सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए, किसी का तो भी वर्चस्व रहा और आबादी अगर कंट्रोल हुई तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी कम हो जाएगी और बेरोजगारी अगर कम हो जाएगी तो सबको रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो फिर से अच्छे दिन आने की संभावनाएँ है। तो सब में पहली बात है, अपने महाराष्ट्र बोलो, महाराष्ट्र के अंदर जो सरकारी स्कूल आते हैं वो बहुत कम हो गए, अभी प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल के आने की वजह से, सरकारी स्कूल बंद होने की वजह से खर्चा लोगों का ज़्यादा बढ़ गया है, खर्चा बढ़ने की वजह से लोग दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे, एडमिशन करने जा रहे 10,000-15,000 रुपये ले रहे, पहले तो घरों घर सर लोग आते नगर पालिका वाले स्कूल वाले, हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, सर लोग घर पर नाम लिखने आते थे स्कूल आगे और ले जाते थे, साथ में बच्चों को कपड़े भी मिलने का, वाया पुस्तक सब मिलने का और प्लस फ्री में एडमिशन मिलने के बाद में बच्चों को चावल भी देते हो, वहाँ खिचड़ी खिलाने का, अभी तो सब यहाँ से घर से ले आना पड़ा डब्बे के अंदर, घर से डब्बे के अंदर ले आना पड़ रहा है अभी, और एडमिशन भी करना पड़ रहा है बच्चों को, पैसा दफ्तर का खर्चा, कपड़ों का खर्चा, किताब का खर्चा, ब्याज का खर्चा, हर कंपास का खर्चा, पहले सब स्कूल से मिलता था, इसके वजह से थोड़ा लोगों ने खाने पीने फोकस कम कर दिए। अभी हम जनाब शब्बीर खान है इनका नाम है और जब हमने इनको पूछा कि आप कब से कर रहे हैं ये आम का व्यापार, तो इन्होंने कहा कि मेरी तीसरी पीढ़ी है, यानी काफ़ी पुराना आदमी है। चलो इनको ही पूछते कि पहले और आज में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी क्वालिटी में, क्वांटिटी में, रेट में, क्या बता सकते हैं? रेट में जो फ़र्क आ रहा है, अभी जो भाव का हम ला रहे हो भाव को ही ग्राहक मंग रहा है, समझे क्या, फ़र्क ही आ रहा है, क्वांटिटी धीरे धीरे चल रही है, अभी करंट में नहीं है। तो वैरायटी में कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, वैरायटी जो है वही मिलेगी, केसर जो है गुजराती वही है, वैरायटी एक नंबर आती है सर, गुजरात केसर, आम्रपाली, रत्ना एक नंबर आते सर खाने में। पहले जैसा सेल हुआ करता था वैसा भी है? अभी वैसा सेल नहीं हो रहा है, करने वाले बहुत हो गए गांव में, जो है करने वाले बहुत हो गए, पहले जैसा सेल नहीं है, ठंडा चल रहा है धीरे धीरे। अपने पास कौन सा वैरायटी है और रेट कैसे उनके? केसर है 100 रुपये किलो, बादाम है 50, और गुलाब खास है 60 रुपये किलो, राजापुरी 50, कलमी है 50, अजून कुंटी वाली लंगड़ा है 70, 50 से 100-150 रुपये तक 50 से 100 तक अच्छे से अच्छा माल 100 रुपये। ये है बादाम, इसका रेट है 50 रुपये। ये गुलाब का, ये गुलाब कश है और सही में इसमें गुलाब टाइप का कलर भी है, शायद इसकी वजह से इसका नाम होगा गुलाब कश, मिक्स रहता है। ये कौन सा है? दशहरी है, दशहरी। ये दशहरी है, दिखने के लिए कैरी जैसा है लेकिन पका हुआ है, जनाब बोल रहे कि लखनऊ का आइटम है ना, लखनऊ वाला है। और ये कौन सा है? ये है कलमी, कौन सा? तोतापरी। कलमी का दूसरा नाम तोतापरी बता रहे हैं, वाटर प्रूफ आम है, पानी, अच्छा अच्छा, यानी पानी में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है इसलिए वैसा बोला जाता है इसको। और ये शायद केसर है ऊपर वाला, दोनों तीनों केसर है। 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का इनका अलग अलग वैरायटी के अनुसार रेड है। ये जो कैरी जैसा दिख रहा है लेकिन लंगड़ा नाम है, लंगड़ा।